साइबर सिक्योरिटी फर्मों ने दावा किया है कि दुनिया भर के लगभग 1 अरब से ज्यादा एंड्रॉयड स्मार्टफोन में खामियां हैं। इन स्मार्टफोन में सिक्योरिटी अपडेट नहीं दिए जाते हैं, जिनकी वजह से इन्हें हैक किया जा सकता है। साइबर सिक्योरिटी वॉचडॉग ने कहा है कि 2012 या इससे पहले लॉन्च किए गए एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर के लिए ये ज्यादा गंभीर समस्या है। अब तक गूगल ने इस रिपोर्ट पर कोई भी बयान जारी नहीं किया है। इस सिक्योरिटी वॉचडॉग ने गूगल सहित एंड्रॉयड स्मार्टफोन कंपनियों पर भी सवाल खड़े किए हैं। इस एजेंसी का कहना है कि मोबाइल कंपनियों को सॉफ्टवेयर अपडेट को लेकर यूजर के साथ ट्रांसपेरेंस होने की जरूरत है। आमतौर पर स्मार्टफोन कंपनियों के कितने भी महंगे स्मार्टफोन क्यों न हो, लेकिन ये कंपनियां साफ नहीं करती हैं कि आपको कितने सालों तक एंड्रॉयड अपडेट मिलता रहेगा। ज्यादातर एंड्रॉयड स्मार्टफोन में 2 या 3 साल के बाद अपडेट मिलने बंद हो जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक गूगल का डेटा यह खुद कहता है कि दुनिया भर के 42.1 एंड्रॉयड यूजर्स के पास एंड्रॉयड 6.0 या इससे नीचे के वर्जन हैं। सिक्योर्ड वॉचडॉग ने अपनी स्टडी में पाया कि दुनिया भर के 5 में से 6 एंड्रॉयड यूजर को अब सिक्योरिटी अपडेट नहीं दिए जाते हैं। सिक्योरिटी वॉचडॉग का कहना है कि मोबाइल कंपनियों को अपने यूजर्स के लिए कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक एजेंसी के कंप्यूटिंग एडिटर ने कहा कि ये अजीब है कि महंगे स्मार्टफोन की लाइफ भी छोटी रह गई है। इनमें जल्द ही सिक्योरिटी अपडेट मिलने बंद हो जाते हैं। इस वजह से लाखों लोग हैकिंग के चपेट में आ सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर फोन में एंड्रॉयड 6 या इससे पहले का सॉफ्टवेयर और अपडेट नहीं मिलते हैं तो नए फोन लेने का वक्त आ गया है। अगर नया फोन नहीं लेना चाहते हैं तो अपने स्मार्टफोन को चलाते वक्त सावधानी बरतें, यानी कोई भी ऐप डाउनलोड करने से बचें और ऐसी वेबसाइट एक्सेस न करें जिसमें संदेह वाले कंटेंट हों। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।